अर्चना जी, हमारे शो में गेस्ट तो बहुत आते हैं, लेकिन कई बार गेस्ट के ऊपर भी गेस्ट आते हैं, उसे कहते हैं सोने पे सुहागा। सो आज जो सोने पे सुहागा है वो है वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वर्सेटाइल सिंगर नेहा भसीन। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। नेहा, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां एक बार फिर से। वाओ। अच्छा नेहा, जितनी कमाल की सिंगर हैं वो तो हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया मतलब परफॉर्मर भी बहुत अच्छी हैं। ये जो आप आते बीच में हैं करती ना ये। मेरा ज्यादा मन था करने का, लेकिन ये बीच में अटक गया था। मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं ये करूं, लेकिन मेरा ये अटक ही गया बीच में। किसी को क्या पता इसमें अटकना होता है कि नहीं होता। तो हमारे लिए तो वो तो मेरे साथ में एक भाई साहब बैठे थे, वो तो ऐसे देख रहे थे। पब्लिक को मजा मांगता है। आती रहा करो तुम, गाना आए ना आए। इतना नाच नाच कह रही मेरी। नहीं, नहीं। बंदा लड़ा भी हो फिर भी आ जाए खड़ा है, कोई बात नहीं, वो पुरानी बातें छोड़ो। शादी हो गई है, सुलह सफाई हो रही। ये बातें मत याद दिलाया करो, शादी वादियां तो होती रहती हैं, इट्स ओके। पर ये जो गाना अभी आपने सुना, नेहा का नया सिंगल है, आपको बहुत बहुत मुबारक नेहा उसके लिए। नेहा एक बात बताइए, पहले जब एल्बम आती थी तो 5-6 गाने होते थे, आजकल लोग सिंगल ही ट्रैक निकालते हैं, ऐसा क्यों? मतलब 5-6 गाने का बजट नहीं होता कि 5-6 गाने गाने का मन नहीं करता आपका, या आपको लगता है एक ही गाना 5-6 के बराबर है? बताइए ऐसा क्यों होता है? मतलब यही प्रॉब्लम है, आजकल ऑप्शंस इतनी सारी हो गई कि लोग पूरे एल्बम सुनते नहीं है, तो हम एक ही गाना एक ही करके निकालते हैं ताकि हर गाने को तवज्जो मिले। एक्चुअली अच्छा नेहा सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं, अपने फोटो वीडियो डालती रहती हैं। पहले मैं इनके फोटो देख के इनको फॉलो करना शुरू किया। वो तो मुझे बाद में पता चला सिंगर भी हैं। तो नेहा, नेहा कभी आप सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स पोस्ट करती हैं, कभी आप नीचे कमेंट्स पढ़ती हैं उनके जो आते हैं? इतना टाइम मिलता है? वाओ, आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आज तक क्या मिला और वर्स्ट क्या मिला? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, मुझे हर रोज मिलते हैं, मैम कैन आई प्लीज मैरी यू। वाओ, टू लेट, टू लेट। मुझे लगता है मेरी मार्केट में अभी भी वैल्यू है, तो आई थिंक ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। और वर्स्ट कॉमेंट, प्लीज हिंदुस्तानियों कभी लड़की को चबी ना बोले। मैम यू आर चबी, प्लीज। आई थिंक दैट्स वन कॉमेंट दैट मुझे बहुत गुस्सा आता है पढ़ के। मोटी मुझे फिर ठीक लगता है, चबी। चबी का एक्चुअली मतलब होता क्या है? मतलब थोड़ी प्लम्प, थोड़ी हेल्दी। हाँ, अच्छा। है ना? पर बहुत अच्छी लगती है नेहा। अच्छा, कई लोगों का ना ऐसे सुपरस्टिशन होता है कि मैं ये करूंगी तो अच्छा होगा, आपका कभी कोई ऐसा सुपरस्टिशन है जहाँ कि मैं ऐसा कोई टोटका करूं इससे गाना हिट होगा, कि आपका यही टोटका कि इस शो में आ जाओ तो हिट ही है? आपको पता है नेहा एक फिल्म भी आई थी, लाइफ की तो लग गई। नेहा उसके बाद आपने कोई, हेलो नेहा, उसके बाद आपने कोई फिल्म क्यों नहीं की? वो भाग रही है, जवाब से भाग रही है। आपको क्या लगता है कि ये टाइटल लाइफ की तो लग गई के बाद क्या हाल होगी फिल्म और मेरी? लेकिन दोबारा नहीं होगा ये, अनलेस आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ एक्ट करूं। मेरी अपनी बड़ी मेजर फ्लॉप हुई है। मैं ठीक है, मैं आपकी मूवी में गाना गा लूंगा, गाने हर सारे हिट होते हैं। हाँ ये तो है, तालियां बनती है इस बात के लिए। सेफ जोन, सेफ जोन। अपने को मुफ्त में एंटरटेनमेंट मांगता है। आइए सुनते हैं नेहा भसीन की आवाज में ये खूबसूरत गीत। ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बात भी ना वो सजरी जवानी कहीं, जग घूमे आथार जैसा ना कोई, 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 जग घूमे आ थार जैसा
कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं चाहे जो आए लेके दिन में इश्क मोहब्बत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत has to do this swag se karenge sabka go swag se karenge sabka swagat सबका स्वागत थैंक यू वाओ सुपर सुपर क्या बात है थैंक यू सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस ब्यूटीफुल थैंक यू अर्चना जी मेरे को पहचाना मैं कप्पू का भाई चप्पू आज मैंने नया काम खोला है क्या चप्पू सिक्योरिटी एजेंसी मैं काम करने में बिलीव करता हूँ अच्छा मेरा ऐसा नहीं है कि किसी की कुर्सी देखो जाके बैठ जाओ उधर आपको पता है आपके बारे में बातें हो रही हैं क्या जितने भी रियलिटी शो हो रहे हैं इंडियन आइडल वगैरह उनके जज पैकअप के बाद ना कुर्सी साथ ले जाते कहते खाली रह गए तो बैठ जाएंगी मैडम आपको पता है सिद्धू जी हाँ। वो भाषण खड़े होके नहीं देते अब उधर ही बैठे रहते हो इधर उठा के चले जाते हो अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है हाँ। जब ही आपको लगे हाँ। आपके ऊपर खतरा है हाँ। कोई आपका पीछा कर रहा है हाँ। आपने चप्पल हाथ में पहननी निकल जाओ मेरे भरोसे मत रहना लोगों की कुर्सियां झपट रहे हो लोग आपको बाहर पता है झपटना पूरन सिंह बोल रहे हैं अब चोर चक्को की खैर नहीं देखना ऐसी सिक्योरिटी करूंगा ना मैं हस्बैंड को वाइफ से मिलने के लिए मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी वेरी मच बिजी है मैं ओ माय गॉड अर्चना जी बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है हाँ। मुझे डर है पढ़ लिख के कुछ बन ना जाए अच्छा वैसे पढ़ना लिखना जो है ना वो हाँ। पढ़ना चाहिए उसको सर्दी को हाँ। जिसके पास 400 डिग्री होता है गर्मी के पास तो ऑलरेडी 40-50 डिग्री होता है ये ऐसे पढ़ी जा रही है वाह वाह मेरे अमृतसर के आइंस्टाइन क्या लॉजिक दिया तुमने दिल करता है ना ताली के बीच में तेरा मुंह ले लूं ऐसे करूंगा अपने दिमाग की सिक्योरिटी करवा ले कोई ले जाएगा तेरा दिमाग अच्छा हाँ वो साइंटिस्ट लेकर जाएगा हाँ खोज करेंगे अच्छा मतलब मेरे दिमाग पर भी खोज होगी खोज होगी कि भाई ये चला ही नहीं अच्छा वैसे अर्चना जी मैं इनका गुस्सा नहीं करता हूँ क्योंकि पत्थर उसी पेड़ को पड़ते हैं जिसके ऊपर फल लगे होते हैं अरे वाह बड़ा स्ट्रॉबेरी का फल लगता ना आड़ू का पेड़ कहीं का ओ मेरी बात सुनो चप्पू तुम ना हद पार कर रहे हो अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मेरे तुम्हारी सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी कर देनी है और जाए राशन तेरे घर आता नहीं तेरे को गुस्सा कहां से आ गया तो राशन नहीं आता हमारे घर में हम क्या फिर सीएनजी पे चलते हैं राशन नहीं आता मेरी बात सुन लो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कप्पू के भाई हो कुछ भी बोलते रहोगे ओए तुम भी मेरी बात सुन लो हां कप्पू मेरा भाई इसका मतलब ये नहीं कोई भी उठा के उसका मुंह उठा के उसका दोस्त बन जाए मैंने सरकार को बोल के नियम बनाना है मेरे भाई का दोस्त वही बनेगा जो कम से कम मैट्रिक पढ़ा हो मैट्रिक नहीं इधर मैंने बीए की हुई है इसको फेंक के बीए करते हैं
बीए की हुई तो ग्रेजुएशन का स्पेलिंग बताओ। कि मैंने बीए और स्पेलिंग तुम मेरे से ग्रेजुएशन की पूछी जा रहे हो। तो ठीक है, बीए की फुल फॉर्म बताओ। बीए की मेरे को पता है क्या? बड़ा आदमी। एमबीए, एमबीए की सुनो। हाँ। महा बड़ा आदमी। सीए की भी सुन लो। क्यूट आदमी। सारा पता है मेरे को। बोलती तो मैं तुम्हारी ऐसे बंद करा सकता हूँ। इसको नीचे रख के ताली बजाऊं तुम्हारे लिए? इतना इंटेलिजेंट आदमी ना, उस दिन बाहर किसी के घर के बाहर लिखा था कुत्ते से सावधान, पढ़ के कहता। आपको पता है नॉर्मली कुत्ते टांग उठाते ना, वो हाथ उठा के गया इस पे, नाखूनों वाला थप्पड़ मारा इस पे ऐसे करके। अर्चना जी, रिलेशन भी कोई चीज होती है। कुत्तों के साथ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। हाँ। और वैसे भी इंसान के पास टाइम कहाँ है? हाँ। आजकल तो इंसान पैसे के पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे कुत्ते गाड़ी के पीछे नहीं भागते। हाँ, सही है। कितना टाइम है इसके पास? कुत्ते किसके पीछे भागते ये भी देख रही है। हाँ हाँ हाँ, टाइम है मेरे पास। अर्चना जी, पहले का टाइम होता था, लोगों को बात करनी होती थी, लोग चिट्ठियां लिखते थे और लोग उस चिट्ठी को पढ़ते थे, सात सात दिन तक पढ़ते रहते थे। और आज के दिन दो मिनट में बात हो जाती है, लेकिन सिर्फ दो सेकंड की। आहा। लोगों को कहीं जाना होता था ना तो लोग हफ्तों लग जाते थे जाने के लिए, आज घंटों में पहुंच जाते हैं। आदमी ने समय तो बचा लिया, लेकिन अपने लिए समय नहीं बचाया। 100 साल तक जीने वाला आदमी आज 60 साल में मर रहा है। वाह, तेरे जैसे लोग स्टायर मारेंगे, आम आदमी जी के करेगा भी क्या? बहुत अच्छे। तेरे को जो चीज तंग कर रही है उसको निकलवा। ये देखो फालतू की बातें कर रहा है ना। अपमान, घोर अपमान। अगर चंदू ने चप्पू को चांदी के चमचे से चांदनी चौक में चवनप्राश की चटनी ना चटाई तो मेरा नाम भी चंदू नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.